आप लोगों को हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, तो आप लोग हाई ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने के लिए क्या क्या कर सकते हैं, आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में यही बताने वाली हूँ कि आप होम रेमेडीज को यूज करके कैसे अपने ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कर सकते हैं। साथ ही मैं आप लोगों को कुछ एक्यूप्रेशर पॉइंट्स भी बताऊंगी जिसको यूज करके आप अपने जो ब्लड प्रेशर हाई हो रहा है उसको तुरंत कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। साथ ही आयुर्वेदिक मेडिसिन भी बताऊंगी आप लोगों को जिससे कि आप अपने हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कर सकते हैं। क्या खाना है आप लोगों को ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम के लिए और आप लोगों को किन चीज़ों का परहेज करना है जब आपको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है। तो आज हम लोगों का जो टॉपिक है वो यही होने वाला है। तो उम्मीद करती हूँ ये टॉपिक आप लोगों को पसंद आ रहा है और आप लोगों के लिए यूजफुल है। तो अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लग रही है तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा और अगर आप लोग आए हैं मेरे चैनल पे पहली बार तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आप लोगों को मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशंस ऐसे ही मिलती रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव वीडियो को। सबसे पहली चीज तो ये है कि इसके रीजन क्या हो सकते हैं, क्योंकि जब तक आपको किसी भी बीमारी के कारण का नहीं पता होगा तो आप उसका इलाज नहीं कर सकते हैं। तो कारण क्या हो सकते हैं, पहला कारण तो ये हो सकता है कि आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेते हैं। दूसरा कारण जो है वो ये हो सकता है कि आप भरपूर नींद नहीं लेते हैं। तीसरा कारण ये हो सकता है कि आप सुबह जल्दी तो उठते हैं लेकिन रात को भी देर से ही सोते हैं, तो जो कि सबसे गलत होता है। चौथा कारण ये हो सकता है कि आपको जेनेटिक प्रॉब्लम हो सकती है, यानी कि आपको ये प्रॉब्लम अपने माता पिता या फिर किसी भी फैमिली मेंबर से मिली हो। पांचवा जो रीज़न है वो ये है, आपका लाइफस्टाइल यानी कि आपका जो मेंटली वर्क है वो तो बहुत ज़्यादा है, ओवरलोड है, और जो आपका फिजिकल वर्क है वो इतना ज़्यादा नहीं है। और सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण है वो है आपका खाना। आप लोग खाने में क्या यूज़ करते हैं जिसकी वजह से आप लोगों को ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो जाती है। मोस्टली तो यही देखा जाता है कि जो हाई ब्लड प्रेशर है उसमें दो ही चीज़ों के लिए रोकटोक लगाई जाती है, क्या यह पहला नमक और दूसरा शुगर, लेकिन और चीज़ों की तरफ हम बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन मैं आपको बता देती हूँ कि जो हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं वो भी नमक खा सकते हैं, लेकिन वो नॉर्मल नमक ना खा करके वो सेंधा नमक खा सकते हैं जिसको रॉक सॉल्ट बोलते हैं। आप उसका प्रयोग अपने खाने में कीजिए, इससे आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। और मीठे में आप चीनी का प्रयोग ना करके आप किस चीज़ का प्रयोग कर सकते हैं, आप गुड़ का प्रयोग कर सकते हैं, शक्कर का प्रयोग कर सकते हैं, शहद का प्रयोग कर सकते हैं, खांड का प्रयोग कर सकते हैं और मिश्री का प्रयोग कर सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों में से कोई भी चीज़ आप अपने खाने में ऐड कर सकते हैं। अब और क्या क्या चीज़ें आप लोग अपने खाने में ऐड कर सकते हैं, आपको ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में हरी सब्जियाँ खानी चाहिए और ज़्यादा ही मात्रा में आप लोगों को फ्रूट्स खाने चाहिए। और फ्रूट्स में भी बनाना अगर आप सुबह नाश्ते में खाते हैं तो ये आपके हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है। और जो हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं वो सुबह के समय में सेब का सेवन ना करें, ऐसी कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि सेब थोड़ा सा हैवी होता है और इसकी वजह से आपको गैस बन सकती है और आप लोगों का ब्लड प्रेशर हाई हो सकता है। तो कोशिश कीजिए सुबह के समय अगर आप केले का सेवन करें तो ये सबसे ही अच्छी चीज़ होती है। दूसरी चीज़ मैं आप लोगों को ये बता देती हूँ कि जब आप चाय बनाते हैं या फिर चाय पीते हैं तो उसमें एक चुटकी दालचीनी का प्रयोग कर सकते हैं। दालचीनी का प्रयोग आप लोगों को इसलिए करना है कि दालचीनी में भरपूर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं जो कि नसों को चौड़ा करने का काम करते हैं, खून को पतला करने का काम करता है और इससे आप लोगों को जो ब्लड प्रेशर है वो नॉर्मल ही रहता है। और एक चीज़ मैं बता देती हूँ आप लोगों को कि जब आप लोगों का ब्लड प्रेशर हाई हो रहा है तब आपको ये एक्यूप्रेशर पॉइंट दबाना है, ये आपको पैर में मिलेगा। और अगर आप लोग ये एक्यूप्रेशर पॉइंट दबाते हैं तो आप लोगों का चाहे कितना भी हाई ब्लड प्रेशर हो तुरंत ही खत्म हो जाएगा। कैसे दबाना है, ये जो एक्यूप्रेशर पॉइंट है ये आपको पैर में मिलेगा, अंगूठे और उंगली के बीच में, ठीक है, कहाँ, जहाँ पर आपकी जो टो है उसकी
बोन है उसके बिल्कुल बराबर में ये पॉइंट मिलेगा आप लोगों को। तो ये अगर एक्यूप्रेशर पॉइंट दबाएंगे तो आपका जो ब्लड प्रेशर है वो बहुत ही जल्दी नॉर्मल हो जाता है। और जिस टाइम आप लोगों को सर में दर्द हो रहा है हाई ब्लड प्रेशर के कारण, तो आप क्या कर सकते हैं, नूरानी तेल आता है मार्केट से, उसे लीजिए और उसमें देसी कपूर मिला करके और उसे गर्म कर लीजिए तेल को, और फिर उससे अपने सर की मसाज कीजिए। तो उससे आप लोगों के सर का जो दर्द है, जो ब्लड प्रेशर की वजह से आपको सर में दर्द हो रहा है, वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। आप लोगों को बता देती हूँ कि आपको होम रेमेडी क्या करनी है। होम रेमेडी में आप लोगों को रोज एक टाइम आप लोगों को दालचीनी का काढ़ा बना करके पीना है। कितनी दालचीनी लेनी है आपको, सिर्फ एक इंच का एक टुकड़ा दालचीनी का लेना है, एक ग्लास पानी लेना है और उसको इतना बॉईल करना है कि वो आधा ग्लास रह जाए, और फिर छान कर उसमें शहद मिला करके आप पी सकते हैं। तो आपकी हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम धीरे धीरे करके नॉर्मल होने लगेगी। और एक टाइम आप लोगों को अदरक का काढ़ा पीना है, यानी कि आपको अदरक कसनी है और फिर एक ग्लास पानी में उसको बॉईल कर लेना है और फिर उसके बाद उसे छान करके और पी लेना है। वो होम रेमेडी है, उनसे भी आप अपनी प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हैं। आप लोगों को गैस ना बने उसके लिए आप लोग त्रिफला का पाउडर ले सकते हैं या अरंडी का तेल दूध में ले सकते हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिनसे आप अपना पेट साफ कर सकते हैं, और अगर आपका पेट साफ हो जाएगा तो ऑब्वियसली आप लोगों को ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम जल्दी से नहीं होगी। अब आपको मैं बता देती हूँ कि आयुर्वेदिक दवा कौन सी लेनी है। आयुर्वेदिक दवा में आप लोगों को अर्जुना रिस्ट लेनी है। अर्जुना रिस्ट अगर आप लोग लेंगे तो आपकी जो बीपी की प्रॉब्लम है वो धीरे धीरे करके नॉर्मल होने लगेगी। कैसे और कब लेनी है? अर्जुना रिस्ट आप लोगों को लेनी है सुबह खाना खाने के बाद, 2 ढक्कन सिरप 2 ढक्कन पानी मिलाना है और इसको ले लेना है। ऐसे ही आपको रात के समय में खाना खाने के आधे घंटे बाद 2 ढक्कन सिरप 2 ढक्कन पानी और इसको पी लेना है। जिस टाइम आप दवाइयाँ ले रहे हैं और ये सारी चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, उस टाइम कोशिश कीजिए बाहर का खाना, तला चिकना खाना या फिर डिब्बा बंद चीज़ें, मैदे की चीज़ें, इन चीज़ों का आप लोग प्रयोग ना करें। अगर ऐसा आप करेंगे तो आपकी प्रॉब्लम बहुत ही जल्दी और आसानी से क्योर हो जाएगी। थैंक यू फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। और हाँ, ये जो 10 उंगलियां हैं इनमें भी ये एक्यूप्रेशर पॉइंट होते हैं, ये ऐसे करके दबाते रहें तो इससे भी आप लोगों का ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहता है। थैंक यू फ्रेंड्स।